नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर हमला करने वालों पर मोहन यादव सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। बड़ी खबर है, थाने पर पथराव को लेकर पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज भी की है। प्रदेश के छतरपुर में थाने पर हमला करने वालों पर मोहन यादव सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। थाने पर पथराव को लेकर पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, तो 200 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुस्लिम समुदाय के पूर्व सदर मोहम्मद हाजी अली को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हाजी अली के महल नुमा मकान की बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकतर आरोपी शहर से भाग चुके हैं। हम आपको बता दें, कई आरोपियों को सर्विलांस पर रखा गया है। अधिकतर लोग अपना फोन बंद कर चुके हैं। पुलिस लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना का संज्ञान लेकर DGP से सख्त एक्शन लेने को कहा था। CM ने एक्शन पर यह भी लिखा है कि मध्यप्रदेश शांति का प्रदेश है, यहाँ पर इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, CM ने कड़ा एक्शन लिया है। छतरपुर में बुधवार को मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पर पथराव कर दिया था। घटना में 3 सिपाही सहित प्रभारी अरविंद कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज की ओर से कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे थे। वहीं हम आपको बता दें, इस तरीके की घटना से पूरे प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है और तमाम तरह के लोग इस घटना को लेकर निंदा कर रहे हैं, क्योंकि कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री CM यादव ने एक्शन लिया है, वो वाकई में इस तरह इशारा कर रहा है कि ऐसी और घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप विजुअल्स देखिए, किस तरीके से हाजी अली के इस महल नुमा घर को ध्वस्त कर दिया गया, जमींदोज कर दिया है, खंडहर में तब्दील हो गया है। जी हाँ, पीछे आप विजुअल्स देख सकते हैं जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, और 24 घंटे के अंदर ही उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।